सो हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। तो पोकेमॉन वर्ल्ड में जितने भी पोकेमॉन है, हर एक पोकेमॉन के पास अपना एक अलग शाइनी फॉर्म होता है, जिनमें से कुछ शाइनी पोकेमॉन हमें पोकेमॉन एनिमे के अंदर भी दिखाए गए हैं, और उनमें से कुछ को ऐश को पकड़ने का मौका मिला था, और कुछ ऐसे भी शाइनी पोकेमॉन है जो कि मैं पर्सनली चाहता हूँ कि ऐश पकड़े। तो आज हम ऐसे ही टॉप 10 शाइनी पोकेमॉन देखने वाले हैं जिनको ऐश को पकड़ना चाहिए था। वीडियो काफी यूनिक होगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 के साथ। नंबर 1 शाइनी गैराडोस। गैराडोस एक वाटर और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है जेन 1 कैंटो रीजन से। इसका शाइनी फॉर्म काफी ज्यादा ऑसम है, जो कि रेड कलर का होता है। जोटो रीजन में टीम रॉकेट के हेडक्वार्टर्स ने एक ऐसी वेव बनाई थी जिसके चलते एक नॉर्मल मैजिकअप एक शाइनी गैराडोस में इवॉल्व हो जाता है, और फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर सारी चीजों को तबाह करने लगता है। आगे जाके कैंटो और जोटो रीजन का चैंपियन लैंस आता है और वो शाइनी गैराडोस को पकड़ के उसको शांत कर देता है। पर यहाँ पर ऐश भी अपने पिकाचू का यूज करके शाइनी गैराडोस को हरा कर उसको पकड़ने का ट्राई कर सकता था, जिससे ऐश के पास उसका दूसरा शाइनी पोकेमॉन आ जाता, तो हाँ, ऐश शाइनी गैराडोस को पकड़ सकता था। नंबर 2 जेनेसेक्ट। जेनेसेक्ट एक बग और स्टील टाइप पोकेमॉन है जेनरेशन 5 यूनोवा रीजन से। जेनेसेक्ट अपने शाइनी फॉर्म में कुछ इस तरह का दिखता है, जहां पर यह रेड हो जाता है। शाइनी जेनेसेक्ट हमें पोकेमॉन की मूवी में देखने को मिलता है, जो कि थी जेनेसेक्ट एंड द लेजेंड अवेकेंड। इस मूवी के अंदर हमें काफी सारे जेनेसेक्ट का एक ग्रुप दिखाया जाता है, जो कि सारे नॉर्मल थे बट उनमें एक शाइनी था। इनमें से ऐश एक जेनेसेक्ट के साथ दोस्ती भी बना लेता है, बट ऐश उसको नहीं पकड़ पाता। और ऐश के पास इस मूवी के अंदर काफी अच्छा मौका था एक शाइनी जेनेसेक्ट को पकड़ने का, जो कि उसका सबसे पहला मिथिकल पोकेमॉन होता, बट फिर भी ऐश ने उसको नहीं पकड़ा। तो हाँ, ऐश के पास एक मौका था जेनेसेक्ट के शाइनी फॉर्म को पकड़ने का। नंबर 3 हैक्सरस। हैक्सरस एक प्योर ड्रैगन टाइप का पोकेमॉन है जेनरेशन 5 यूनोवा रीजन से। हैक्सरस वन ऑफ द बेस्ट डिजाइन पोकेमॉन है। इसका शाइनी फॉर्म भी काफी ऑसम है, जो कि ब्लैक कलर का दिखता है। शाइनी हैक्सरस हमें कभी भी पोकेमॉन एनिमे के अंदर नहीं दिखाया गया, बट मैं चाहता हूँ कि ऐश एक हैक्सरस को पकड़े, क्योंकि हैक्सरस एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है जिसने सिंथिया के मेगा गार्चोम को अपने बेस फॉर्म में टक्कर दे रखी है। ये यूनोवा रीजन की चैंपियन आयरिस का एस पोकेमॉन है, और इसके पास अब तक का वन ऑफ द बेस्ट शाइनी फॉर्म है। तो हाँ, डेफिनेटली अगर ऐश को कभी भी एक शाइनी पकड़ने का मौका मिलता है तो मेरे अकॉर्डिंग उसको पकड़ लेना चाहिए। नंबर 4 शाइनी चार्जार। चार्जार एक फायर और फ्लाइंग टाइप का स्टार्टर पोकेमॉन है जेन 1 कैंटो रीजन का। चार्जार एक काफी ज्यादा पॉपुलर पोकेमॉन है, ये ऐश के पास भी रह चुका है। इसने ऐश को काफी सारी ऑसम बैटल जिताई है, जैसे कि ऐश वर्सेस गैरी, ऐश वर्सेस नोलैंड, जहां पर इसने लेजेंडरी पोकेमॉन आर्टिकोनो को हरा दिया था। चार्जार के पास भी अब तक का वन ऑफ द बेस्ट शाइनी फॉर्म है, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। इसका कलर ब्लैक है अपने शाइनी फॉर्म में। इतना पॉपुलर होने के बाद भी हमें एनिमे के अंदर कभी भी शाइनी चार्जार देखने को नहीं मिला, पर अगर हमें कभी फ्यूचर में शाइनी चार्जार देखने को मिलता है तो मेरे अकॉर्डिंग ऐश को डेफिनेटली शाइनी चार्जार्ड को पकड़ना चाहिए, क्योंकि चैंपियन सबसे ज्यादा शाइनी चार्जार्ड को ही यूज करते हैं। तो हाँ, ये वन ऑफ द बेस्ट शाइनी पोकेमॉन हो सकता है ऐश का। नंबर 5 शाइनी ऑनिक्स। ऑनिक्स एक रॉक और ग्राउंड टाइप का पोकेमॉन है जेनरेशन 1 कैंटो रीजन से। बाकी सारे पोकेमॉन्स की तरह ऑनिक्स के पास भी एक शाइनी फॉर्म है, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। अपने शाइनी फॉर्म में ऑनिक्स ग्रीन हो जाता है, जो कि डिसेंट है। ये हमें देखने को मिलता है पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट के एपिसोड 87 में, जहां पर ऐश, डॉन, आयरिस और साइलन एक ऑनिक्स आइलैंड पर जाते हैं, जहां पर काफी सारे रेयर ऑनिक्स थे। यहां पर पूरे एपिसोड में ऐश और उसके फ्रेंड्स को काफी सारे रेयर ऑनिक्स पोकेमॉन देखने को मिलते हैं, पर एपिसोड के एंड में एक शाइनी ऑनिक्स अपीयर हो जाता है, जिससे ऐश उसके फ्रेंड्स मिलते भी हैं। पर मेलो अटैक के गाने के चलते वो शाइनी ऑनिक्स और बाकी सारे ऑनिक्स वहाँ से चले जाते हैं। तो हाँ, ऐश काफी पास से शाइनी ऑनिक्स से मिला था, उसके पास डेफिनेटली शाइनी ऑनिक्स को पकड़ने का मौका था। नंबर 6 ग्रीनिंजा। ग्रीनिंजा एक डार्क और वाटर टाइप का स्टार्टर पोकेमॉन है जेनरेशन 6 कैलोस रीजन से। कैलोस रीजन में ऐश ने भी एक ग्रीनिंजा को पकड़ा था, जो कि एक स्पेशल बॉन्ड एवोल्यूशन भी अचीव करता है। इस फॉर्म में जाने के बाद ग्रीनिंजा की डिजाइन भी चेंज हो जाती है। यह ऐश का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है, जिसने चैंपियन डायंथा के मेगा गार्डिवॉर को भी काफी अच्छी टक्कर दे रखी है। वेल, ग्रीनिंजा के पास भी एक शाइनी फॉर्म है, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। अपने शाइनी फॉर्म में ग्रीनिंजा ब्लैक कलर का हो जाता है, जो कि काफी ऑसम है, बट शाइनी पोकेमॉन काफी रेयर है, इसीलिए हमें शाइनी ग्रीनिंजा कभी भी एनिमे के अंदर देखने को नहीं मिला। पर अगर हमें कभी शाइनी ग्रीनिंजा देखने को मिलता है तो डेफिनेटली ऐश को उसको पकड़ना चाहिए। शाइनी ग्रीनिंजा की बॉन्ड एवोल्यूशन में भी डिजाइन चेंज हो जाएगी, जो कि काफी ऑसम लगेगा। तो हाँ, ये ऐश का वन ऑफ द बेस्ट शाइनी पोकेमॉन हो सकता है।
नंबर 7 शाइनी लुकारियो। लुकारियो एक फाइटिंग और स्टील टाइप का पोकेमोन है जेनरेशन 4 सिनो रीजन से। लुकारियो काफी ज्यादा कूल पोकेमोन है। ऐश भी एक लुकारियो को पोकेमोन जर्नी सीरीज के अंदर कैच करता है, जिसको ऐश मेगा इवॉल्व भी करता है। मेगा लुकारियो में इसने काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमोन्स को डिफीट किया है, जैसे कि बी का जिगंटामैक्स मचैम्प और रेहान का जिगंटामैक्स डुरेलिडोन। यहां तक कि ये पोकेमोन एनीमे का सबसे पहला और इकलौता पोकेमोन है जिसने सिंथिया के गार्चोम को हराया हो। लुकारियो का शाइनी फॉर्म कुछ इस तरह का दिखता है, जहां पर वो येलो कलर का हो जाता है। ये शाइनी फॉर्म उतना भी खास नहीं है, पर जब एक बार ये मेगा इवॉल्व हो जाता है तो ये काफी ऑसम दिखता है। तो अगर ऐश एक शाइनी लुकारियो को पकड़ता तो वो उसको मेगा इवॉल्व भी कर सकता था, जिससे ऐश के पास एक काफी ऑसम शाइनी पोकेमोन आ जाता। मैं तो डेफिनेटली चाहता हूँ कि ऐश एक शाइनी लुकारियो को पकड़े। नंबर 8 शाइनी हो-ओ। हो-ओ एक फायर और फ्लाइंग टाइप का लेजेंडरी पोकेमोन है जेन 2 जोटो रीजन से। अब हो-ओ और ऐश के बीच में काफी स्पेशल कनेक्शन है। ये सबसे पहला लेजेंडरी पोकेमोन था जो कि ऐश को दिखा था उसके जर्नी के स्टार्टिंग में, और तब वो एक गोल्डन कलर में था जबकि ये नॉर्मली रेड कलर का होता है। हो-ओ का रियल शाइनी फॉर्म कुछ इस तरह का दिखता है। ये शाइनी फॉर्म भी काफी ज्यादा ऑसम है। ऐश ने अभी तक एक भी लेजेंडरी पोकेमोन को नहीं पकड़ा है, क्योंकि लेजेंडरी पोकेमोन्स को पकड़ना काफी मुश्किल होता है, पर मेरे अकॉर्डिंग ऐश को डेफिनेटली एक हो-ओ पकड़ना चाहिए था, वो भी अपने शाइनी फॉर्म में। नंबर 9 शाइनी गेंगार। गेंगार एक घोस्ट और पॉइजन टाइप का पोकेमोन है जेन 1 कैंटो रीजन से। ये भी काफी ज्यादा पॉपुलर पोकेमोन है। ऐश पोकेमोन जर्नीज के एपिसोड 16 में एक गेंगार को कैच करता है। ऐश का गेंगार भी एक अलग कलर रखता है, बट उतना ज्यादा डिफरेंट नहीं है। ऐश ने अपने गेंगार को जिगंटामैक्स भी किया है, जिसमें जाने के बाद उसने जिगंटामैक्स ग्रिमस्नाल और इंटेलियन जैसे पोकेमोन को हराया है। और गेंगार का शाइनी फॉर्म कुछ इस तरह का दिखता है, जो कि ग्रे कलर का है। ये उतना भी अच्छा नहीं है, पर जब शाइनी गेंगार मेगा इवॉल्व होता है तो वो व्हाइट कलर का हो जाता है, जो कि देखने में काफी ऑसम लगता है। तो मेरे अकॉर्डिंग ऐश को भी एक शाइनी गेंगार पकड़ना चाहिए था, जिसको वो मेगा इवॉल्व भी कर सकता था उसका मेगा स्टोन ढूंढकर, जो कि बिल्कुल परफेक्ट लगता। तो हाँ, अगर ऐश को कभी मौका मिले तो उसको शाइनी गेंगार कैच करना चाहिए। और फाइनली नंबर 10 लग्जरे। लग्जरे एक प्योर इलेक्ट्रिक टाइप का पोकेमोन है जेन 4 सिनो से। लग्जरे पोकेमोन की डिजाइन काफी ज्यादा ऑसम है, और इसका शाइनी फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा दिखता है, जो कि कुछ इस तरह का है। इस फॉर्म में जाने के बाद लग्जरे ब्लू कलर से येलो कलर का दिखने लगता है। ऐश के पास कोई भी इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन नहीं है पिकाचू के अलावा, तो डेफिनेटली ऐश को एक लग्जरे पकड़ना ही चाहिए था, और अगर वो शाइनी होता तो और भी ज्यादा अच्छा होता। तो हाँ, मेरे अकॉर्डिंग ऐश को एक शाइनी लग्जरे पकड़ना चाहिए। वेल तो गाइस, यही था आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। एंड दोबारा मिलेंगे एक और ऐसे ऑसम वीडियो के साथ। अंटिल देन, पीस आउट।